है जयश्री एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम संडे को थोड़ा सा घूमने निकले थे, हमने सोचा कि संडे है थोड़ा सा घूम लिया जाए। तो हम आए थे विजयनगर की तरफ, अंधेरा था तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए जहाँ पर थोड़ी सी लाइट हो और मैं व्लॉग बना सकूँ। तो इसीलिए हम आ गए C21 मॉल। इस मॉल में मैं मूवी देखने तो आई हूँ लेकिन उसके अलावा मैं अंदर कभी नहीं आई इस तरीके से कि मैं घूम सकूँ अच्छे से। तो मैंने सोचा कि यहीं पे आ जाती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल के अंदर, गाड़ी हमने पार्क कर दी है और आपको दिखाती हूँ कि ये मॉल अंदर से कैसा है और यहाँ पे कौन से आउटलेट्स हैं। सबसे पहले जाते ही मुझे दी गई फीमेल टी शर्ट्स जो कि काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद वहाँ पर था मेल कलेक्शन जिसमें उनके पास जीन्स, टी शर्ट्स और लोअर्स थे। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने पर फीमेल सेक्शन फिर से शुरू हो गया और ये हूँ मैं। ये है इनका इयररिंग्स का कलेक्शन। और ये है इनका समर कलेक्शन। इसके बाद मेरी नज़र गई इस बहुत ही अच्छे प्लाजो पे, ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। C21 एक बहुत ही बड़ा मॉल है, यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं और अगर आप यहाँ पे घूम के परेशान हो जाएं और आपके बच्चे के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आपकी हेल्प करेंगी ये छोटी सी कार्स जिसके अंदर आप अपने बच्चों को बिठा सकते हैं और उन्हें लंबी दूरी आराम से तय करवा सकते हैं। बहुत सारे आउटलेट्स देखे, काफ़ी सारे आउटलेट्स में अभी सेल चल रही है क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, सर्दियां जा रही हैं, गर्मी के कपड़े आ रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़े से इस तरह के कपड़े चाहिए जो ढीले ढाले हों क्योंकि अभी तक मैंने वेट लूज़ नहीं किया। तो इसीलिए मैं मैक्स शोरूम में आ गई हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है थोड़े से कम्फर्टेबल कपड़े मिलते हैं। सो लेट्स सी यहाँ का स्टॉक कैसा है और यहाँ पर जो सेल चल रही है उसका हमें कितना बेनिफिट मिलता है। सो मैक्स शोरूम में अंदर घुसते ही मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी मेल टी शर्ट्स पर जो कि 299 से स्टार्ट हो रही थी। मुझे लगा कि शायद मेल ओवरसाइज टी शर्ट्स मेरे आ जाएं अच्छे से और कंफर्टेबल भी हों लेकिन उसमें बहुत ही बेसिक सा स्टॉक था इसलिए मैंने वो नहीं लिया। इसके बाद इनके स्टोर में आगे बढ़ के मैंने देखा कि इनके पास बहुत सारा स्टॉक है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इसीलिए मैंने पूरा स्टोर घूम के देखा एक बार। ये है इनका फीमेल कलेक्शन। इसके बाद शुरुआत हुई फुटवेयर की, ये है इनके फ्लैट्स। फ्लैट्स में इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी और इसके बाद है वेजेस। वेजेस और हील्स दोनों ही हैं इसमें और कुछ फ्लैट्स भी हैं तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, इनके पास काफ़ी अच्छा स्टॉक था। और ये हैं थोड़े से फ्लैट्स और इनके पास बैग्स का कलेक्शन बहुत ही शानदार था। आप देख सकते हैं कि अलग अलग मल्टी कलर बैग हैं इनके पास।
करके तो आई उनका स्टॉक, लेकिन वो स्टॉक इतना भी अच्छे से अपडेट नहीं किया है, उनके पास कुछ लेटेस्ट फैशन नहीं है, और वो कंफर्टेबल जो टीज होती है टी शर्ट्स उसके अंदर भी उनके पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है, बहुत कम लिमिटेड सा स्टॉक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब ले लेंगे, क्योंकि इससे तो अच्छी रेंज मिल ही जाती है नॉर्मल अगर आप इंदौर सिटी में देखें तो। मैं नॉर्मल शॉप्स में भी देख लूँगी जाके कि अब तक वहाँ पर मुझे अच्छी रेंज मिल जाए, क्योंकि मुझे जो कपड़े चाहिए वो बहुत ही मुझे कम्फर्टेबल चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुझे ज़रूरत है थोड़े से ट्रेंडी और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल क्लोथ्स की। सो हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं घर। हमारी पार्किंग हमें बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोर हैं जहाँ पर पार्किंग होती है। तो क्योंकि हम एक ही बार नीचे गए थे तो मुझे लगा कि शायद हम -1 पे होंगे, लेकिन -1 जब हमने लिफ्ट में दबाया तो वो दबा ही नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या चक्कर है। लेकिन फिर हम मैंने देखा कि नीचे उतरते हुए, तो फिर हम उसके बाद सीढ़ी से गए, तो उसके बाद जो फायर एग्ज़िट होती है ना सीढ़ियाँ, तो उसके बाद जो फायर एग्ज़िट होती है ना सीढ़ियाँ, उससे हम नीचे आए। और तब मैंने देखा कि -1 बिल्कुल बंद पड़ा था, वहाँ पे ताला था, आई डोंट नो वाई। तो इसीलिए फिर हम थोड़ा सा नीचे आ गए, और -2 पे जब हम आए तब मैंने देखा कि वही गाड़ियाँ हैं जो मैं ऊपर जाते हुए देख के गई थी। तो यही है हमारा फ्लोर जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है, और वो खड़ी हमारी कार। सो अब हम जा रहे हैं घर। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मैं कुछ नया लेके आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय।